Hello dear students, welcome you once again on your YouTube channel English Tycoon. Dear students, in today's video I am going to discuss with you one of the very important thing जो आपके लिए आपसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कहा जाए या फिर कहा जाए कि confusion about you people are having, that is about English speaking, right? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश सीखना तो चाह रहे हैं पर उनकी प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं जो वो लैक कर रहे हैं और दे आर नॉट गेटिंग दैट जो उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम दे रही है, राइट? तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द थिंग विच आपको पता तो है बट फिर भी आप उस डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, और फ्यू थिंग्स विच यू मस्ट नो फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, राइट? इन द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द मैजिकल फार्मूला फॉर द माई मैजिकल फार्मूला दैट इज WGPS फार्मूला दैट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम आपको कम्युनिकेशन में हो रही है वो इस फार्मूला को अगर आप फॉलो करें या फिर इसको अप्लाई करें अपनी कम्युनिकेशन लर्निंग में तो यू विल डेफिनेटली ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्पोकन इंग्लिश. सो चलिए देखते हैं कि ये फार्मूला है क्या और ये कैसे काम करता है, राइट? सी दिस इज अ इंट्रोडक्टरी क्लास, दिस इज अ वीडियो इंट्रोडक्शन. आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक एंड यू कैन से अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करें तो आपको किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी इफ़ यू फॉलो दिस फार्मूला एट विथ रेगुलर बेसिस, राइट? यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला इन योर कम्युनिकेशन एंड दिस विल हेल्प यू, राइट? अ लॉट, इट्स माई गारंटी. सी दिस इज अ मैजिकल फार्मूला फॉर स्पोकन इंग्लिश. चलिए देखते हैं कि है क्या एक्चुअली. देखिए, as I told you, this formula is called, why I have called you, why I have written it that it is a magical formula, क्योंकि ये डेफिनेटली काम करेगा, ये आपको हेल्प करेगा. आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश विदाउट यू नो सो मेनी थिंग्स लाइक पीपल आर सेइंग दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर वर्ड्स, यू डोंट हैव टू गो थ्रू द ग्रामर चैप्टर, यू नीड नॉट टू डू द प्रैक्टिस, यू जस्ट कम्युनिकेट फॉर अ फ्यू आवर. रियली हाँ, ये सारी चीज़ें काम करेंगी बट उस तरह नहीं. आप ये अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, WGPS फार्मूला, W+G+P+S. अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट, एंड इफ़ यू वांट फ्लुएंट इन योर कम्युनिकेशन, यू वांट टू बी कॉन्फिडेंस, तो आपको ये 4 स्टेप्स 4 थिंग आपको डेफिनेटली करना है. देन यू विल गेट प्रॉपर रिजल्ट. अदरवाइज क्या होगा, आप 1-2 सेंटेंस बोलेंगे, कुछ वर्ड्स बोलेंगे, आफ्टर दैट आपको साइलेंट हो जाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, राइट? तो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रिक्टली. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि WGPS है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय W, व्हाट डू यू मीन बाय G, व्हाट डू यू मीन बाय P एंड व्हाट इज S. आई एम गोइंग टू टेल यू, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि अगर आप इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आप फेस करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, राइट? लेट्स सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, फुल फॉर्म ऑफ WGPS. व्हाट इज WGPS? लेट्स सी. Here W stand for word. W stand for word. Word means आपकी कम्युनिकेशन में whether it is Hindi language, English language, पंजाबी लैंग्वेज, मराठी और whatever language it is, word is most important thing. अगर आपको उस लैंग्वेज आपको कोई लैंग्वेज सीखना है तो you must know the word of that certain language. अगर मुझे पंजाबी सीखनी तो I need to know पंजाबी words, तभी मैं उसको बोल पाऊँगा. Otherwise it's very very difficult. It's not possible for me or even you to speak out, right? तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है, आपको सबसे पहले सीखना है वर्ड्स. आप स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें WGPS, ये इस फार्मूला को हम एक साथ अप्लाई करेंगे. अगर आप इस फार्मूला को एक साथ अप्लाई करेंगे देन आपका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट होगा. यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी क्विकली एंड इन वेरी लेस टाइम, राइट? सो हियर W मीन्स वर्ड, मीन्स हमें अगर अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनानी है तो वी हैव टू टारगेट वर्ड्स, वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम बेसिक वर्ड. हर पर डे का हमारा टारगेट होना चाहिए कि यार इफ़ यू आर अ बिगिनर, राइट, इफ़ यू आर अ बिगिनर यू हैव टू टारगेट 20 to 30 वर्ड पर डे, राइट? बेसिक वर्ड, बहुत ही एडवांस वर्ड नहीं, पहले आप बेसिक याद करेंगे, राइट? लाइक देखिए सम ऑफ द एग्जाम्पल आई हैव रिटन, कम गो रीड ब्यूटीफुल, दीज आर वेरी बेसिक वर्ड हम इसे रेगुलर यूज करते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट थिंग इज वर्ड। मैं इन सबको चारों को रिलेट करके बताता हूँ। पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। जी फॉर हियर ग्रामर। जी फॉर हियर ग्रामर। सर ग्रामर मीन्स इंग्लिश ग्रामर बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है ग्रामर में। स्पोकन के लिए यू हैव टू प्रिपेयर सम सेलेक्टेड चैप्टर्स और टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये टॉपिक्स क्या हैं, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आई एम गोइंग टू टीच ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन एंड आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ ऑल्सो। तो आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। आप मेरे से इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको हर चीज़ बाईलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ और इजीली आप कर पाएँ। तो हम ग्रामर के फिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर्स हैं ग्रामर के, अगर आप उनको पढ़ लें, आप उनको स्टडी कर लें और उनको समझ लें, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। वन मोर थिंग्स, आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा नहीं ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, या मैं विदाउट ग्रामर के ही वर्ड्स याद करके इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई एम सो सॉरी, यू कैन स्पीक बट अ फ्यू सेंटेंसेस, अ फ्यू वर्ड्स, a few minutes. You cannot give a speech of 30 to 40 minutes, 1 hour. You cannot speak throughout the day. Are you getting the point? You आप without इसके आप बोलेंगे तो but limited बोलेंगे। क्या आप limited बोलना सीखना चाहते हैं? आपको कुछ words चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आप 5 वर्ड बोले उसके बाद रुक जाए? आपको सीखनी है ऐसे इंग्लिश जो आप सुबह उठे तो फिर रात के सोने तक कंटिन्यूस यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये होगा कैसे, व्हेन यू अप्लाई दिस फार्मूला विच एम टेलिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो पहला क्या था, वर्ड, हमें वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। सेकंड, ग्रामर के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर देखने हैं। वो क्या चैप्टर है मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊँगा। प्रैक्टिस करनी है। पी फॉर हियर प्रैक्टिस। अब देखिए, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वर्ड्स, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड ग्रामर, तो यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, ये ग्रामर और वर्ड को कंबाइन करना है और आपको अपनी कम्युनिकेशन में इसको यूज करना है। स्लोली स्लोली आप स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे मुझे बोलना ही नहीं आता, तो फिर हम यूज कैसे करें? आपको स्टार्ट करना है। इफ़ यू आर ए बिगिनर, इफ़ यू आर बिगिनर इन द इंग्लिश स्पीकिंग, तो आप छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करेंगे। और जिनको आती है बट फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो ग्रामर और वर्ड्स को कंबाइन करके कम्युनिकेशन और सेंटेंस बोलना शुरू करें। राइट। सो थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस एंड फोर्थ इज एस फॉर स्पोकन इंग्लिश। अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे रेगुलर बेसिस, तो चौथी चीज़ क्या है, द फोर्थ थिंग इज द थिंग जो आप करना चाहते हैं वो है स्पोकन इंग्लिश। आप ये 3 चीज़ें करेंगे, आप नेचुरली स्टार्ट कर देंगे। और यू गेटिंग द पॉइंट? आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इंग्लिश बोलने के लिए ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वर्ड्स प्रिपेयर करेंगे, ग्रामर के बेसिक चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लेंगे जो स्पोकन के लिए होता है, आपको सारा ग्रामर नहीं पढ़ना है, और आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली स्लोली। एंड आप देखेंगे विद इन अ फ्यू मंथ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, और आप बोलना शुरू करें। अब यहाँ पे एक डाउट और है, एक क्वेश्चन ये भी है कि सर प्रैक्टिस कहाँ पे करें? हमारे पास ना तो ऐसे फ्रेंड हैं, ना तो हम ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं, ना तो हमारी सराउंडिंग ऐसी है, प्रैक्टिस कैसे करें? सो प्रैक्टिस किया, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो ग्रामर की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू स्टार्ट आउट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेज फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड वेयर यू कैन ज्वाइन। आई विल बी शेयरिंग माई लिंक विथ यू very soon. You can join that with that link to my WhatsApp group plus online classes direct. And आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है इंग्लिश कम्युनिकेशन की, इट इज़ गोइंग टू सॉर्ट आउट, राइट, इट इज़ गोइंग टू सॉर्ट आउट एज सुन एज यू विल ज्वाइन द क्लास। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये इतना होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई मैं इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करूँगा, मैं वर्ड मीनिंग नहीं प्रिपेयर करूँगा, मैं ग्रामर के कुछ बेसिक चैप्टर नहीं देखूँगा, और मैं प्रैक्टिस भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इंग्लिश बोलूँगा, अगर आप ऐसा मानते हो तो चलिए कुछ चेक कर लेते हैं क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्या वो पॉसिबल है। मैं कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेज, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। राइट, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ ट्रांसलेट करके और चेक करिए क्या आप एक भी वर्ड, एक भी जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन बिना वर्ड, बिना ग्रामर और के कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन करिए। अब मुझे सबसे पहले ये बात बताइए, क्या ये वर्ड नहीं है? बच्चे एक शब्द है, मैदान भी एक शब्द है, हिंदी में जिससे हिंदी में इसको शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड। मैं भी एक खेल रहे हैं, ये सारे क्या हैं? एक स्मॉल 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 जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, राइट। अब क्या होगा बच्चे में, अब बच्चे की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत बेसिक चीज़ें बात कर रहा हूँ। मैं बेसिक इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट बेसिक स्टूडेंट फर्स्ट है। उसके बाद जिनको आती है वो उनको भी गाइडलाइन मिलेगी इम्प्रूव करने। बट मेरा टारगेट वो बच्चे हैं जिनको एकदम से नहीं आती और दे डोंट हैव एनी आइडिया, बहुत ही कन्फ्यूज और परेशान है, राइट। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या होगा, बच्चे को बोलते चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रन। अब ये जो आ रहा है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, और ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन ग्रामर से है या टेंस को हाईलाइट करता है। प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और इन एक प्रीपोजिशन है, ये भी ग्रामर का पार्ट है, और फील्ड क्या है, ये एक वर्ड है। तो आप देखिए आपने एक वर्ड आ गया, फिर ग्रामर हेल्पिंग वर्ब आ गया जो ग्रामर का पार्ट है, फिर वर्ब आ गया ये भी ग्रामर का पार्ट है, इन आ गया ये भी ग्रामर का पार्ट है, और फील्ड जो वर्ड का पार्ट है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि केवल एक सेंटेंस, एक सिंपल सा सेंटेंस पे वर्ड और ग्रामर का कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है क्या, सेंटेंस। तो आई होप कि अगर आपकी डाउट ये डाउट था कि नहीं वर्ड मैं नहीं पढ़ूंगा, ग्रामर की बेसिक थिंग नहीं पढ़ूंगा मैं बोलूँगा, तो आपको ये बात अब क्लियर हो चुकी होगी। अब तीसरी है प्रैक्टिस। अगर आपने ये दोनों कर लिया तो आप इस सेंटेंस को स्मूथली बोल पाएंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। जैसे ही आप देखेंगे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, आप तुरंत ट्रांसलेट कर देंगे, यू स्पीक इमीडिएटली चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब दूसरा देखिए, मैं पैसा दे चुका हूँ, ये कौन सा टेंस है, और मैं पैसा दे चुका हूँ। मैं का होगा आई, पैसा का मतलब क्या होता है, मनी, देना का मतलब गिव, चुका ये टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव गिवन मनी। आई का मतलब मैं, हैव आई के साथ हैव आता है, क्यों आ रहा है ये भी एक क्वेश्चन है। ये यहाँ पे हम हैव ही क्यों यूज कर रहे हैं, आर क्यों नहीं यूज कर देते, इच क्यों नहीं यूज कर देते, वाच क्यों नहीं यूज करते, यही है ग्रामर। ये बात आपको जब क्लियर होगी कि आपको कहाँ पे पास्ट टेंसेस, पास्ट हेल्पिंग वर्ब की यूज करना है, कहाँ पे प्रेजेंट का, कहाँ का फ्यूचर का, तभी आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। तो ये रीजन है हमें वर्ड्स, वोकैब और प्रैक्टिस करने का। और प्रैक्टिस से क्या मिलेगा, आई हैव गिवन मनी, आप गलत नहीं बोलेंगे, आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या होता है, आई हैज गिवन मनी हम बोल देते हैं, या आई हैज गिविंग मनी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी ग्रामर, कौन सा वर्ब की फॉर्म आएगी, दिस इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सर्टेन ग्रामर के चैप्टर पढ़ने होंगे। चलिए अगला देखते हैं, मैं वे मैच खेल चुके थे, दे हैड प्लेड द मैच, दे हैड प्लेड द मैच। अब देखिए वे मैच खेल चुके थे, यहाँ पे मैंने वे के लिए दे लगा दिया, और मैच का मैच होता है, खेलना का प्लेड। अब यहाँ पे प्लेड क्यों किया गया ये भी एक क्वेश्चन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और मैंने हैड लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे हैव लगा दूँ तो क्या होगा, ये सेंटेंस इंग्लिश में तो सही होगा लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन गलत होगा, क्योंकि ये चुके थे मतलब ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ही यूज करना है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप ग्रामर को स्टडी कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या चाहिए, What do you want, आपको क्या चाहिए, What do you want, आपको क्या चाहिए, What do you want। अब ये चाहिए क्या इंडिकेट कर रहा है भाई कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये प्रेजेंट का मैं घर जा रहा हूँ, क्या होगा, मैं का मतलब आई, घर को होम या हाउस। देखिए आई एम गोइंग होम, अब क्यों मैंने यहाँ पे आई एम गोइंग कर दिया, यहाँ पे आई वाच कर दूँ, आई विल भी कर दूँ, ये सही होगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही, तो आई एम गोइंग होम। ये बात आपको तभी क्लियर होगी जब आप ग्रामर के चैप्टर देखो देखेंगे। क्या आप मुझे जानते हैं, क्या होगा, डिड यू नो मी कर दूँ, या विल यू नो मी क्या कर दूँ, या डू यू नो मी कर दूँ। यहाँ पे डू यू नो मी होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ये बात आपको कब क्लियर होगी, जब आप ग्रामर को पढ़ेंगे। देखिए क्या आप मुझे जानते हैं, आप बताइए इसका क्या है, डू यू नो मी। अब जानते हैं क्या है, कब की बात हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए स्टार्टिंग में जब आप सीखते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, इट्स हैपेंड विथ मी आल्सो, राइट। तो डू यू नो मी, अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए मैंने डू लगा दिया। अब डू क्यों लगाया, यहाँ पे मैं इज लगा दूँ, इज यू नो मी, क्या सही होगा, नहीं गलत होगा क्योंकि यू के साथ डू आता है। और ये बेसिक चीज़ें आपको कब पता चलेगी, जब आप स्टडी करेंगे। क्या तुम अमित को जानते थे? डिड यू नो अमित। अब यहाँ पे देखो डिड लग गया, क्यों लग गया? क्योंकि ये पास का सेंटेंस है। डिड यू नो अमित। हर सेंटेंस के पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक है लगाने का, और ये लॉजिक तब भी आपको पता चलेगा जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, और देन ओनली यू कैन स्पीक। अदरवाइज आप सीखेंगे तो कुछ दिन आप बोलेंगे फिर सब सन्नाटा हो जाएगा, दिमाग से चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? मैं आपको इंग्लिश बस उतना नहीं सिखाना चाहता कि आप दो शब्द बोलें और साइलेंट हो जाए। आई वॉन्ट यू टू मेक फ्लुएंट एंड दिस विल ओनली हैपन इफ यू फॉलो दिस मैजिकल फार्मूला, right? This is the easiest and the best way to communicate and learn spoken English, right? रोहित तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? अब ये देखो why does रोहित not help you। अब यहाँ पर डज लगा दिया, रोहित के साथ डज क्यों? डू लगा दूं? नहीं, क्योंकि रोहित सिंगुलर सो डज आएगा और ये प्रेजेंट इंडिफरेंट का सेंटेंस है, तो why do रोहित not help you। देखो गरीबों को खाना और पैसा सरकार ने दिया। अब ये सेंटेंस में आपके लिए है, अभी तक तो बहुत इजी मैंने रखे थे। अब देखिए गरीबी इजी ही है, गरीबों को खाना और पैसा सरकार ने दिया है, एक्चुअली है छूट गया है। क्या होगा? फूड एंड मनी हैव बीन गिवन टू द पुअर पीपल बाय गवर्नमेंट, राइट? नेक्स्ट देखिए अमित अमेरिका जाने को है। अब इसको बताइए इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आओ, अब इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? अमित इज टू गो अमेरिका। अब ये इज टू आपको सीखना है, इज टू का प्रयोग। देयर आर मेनी थिंग जो आपको सीखना है अपनी कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन जब हम बातें करते हैं तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज यूज टू कम, जहाँ आप ऐसे बोलते हैं कि वो जाने को है, मैं खाना खाने को, वो आने को, इस तरह की चीज़ें आती हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग। ये कैसे होगा? ये ग्रामर से होगा। बारिश होने को थी। अब इसका क्या होगा? इट वाज टू रेन। बारिश होने को थी, राइट? सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो कंसेप्ट, वो बातें समझ में आई कि देखिए कम्युनिकेशन करने के करना। और एक चीज़, वन मोर थिंग, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। जब आपको इंग्लिश आ जाएगी यू फील लाइक यू विल स्पीक इंग्लिश ओनली, बिकॉज हिंदी इज़ नॉट डिफिकल्ट व्हाट आई फील, ठीक है? इंग्लिश जब आप अभी आपको नहीं आ रही, सिंपल सी थिंग, आप जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपके लिए डिफिकल्ट है, जब वो आ जाती है तो इट्स वेरी ईजी फॉर यू, क्लियर? तो आई होप कि जो मैं ट्राई कर रहा था बताने की वो आपको बातें समझ में आई, एंड आप जरूर ट्राई करेंगे दिस मैजिकल फार्मूला। यू विल ज्वाइन, आई विल बी गोइंग टू शेयर माय लिंक्स विथ यू वेरी सून, एंड आप ऑन माय इन माय टेलीग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल आपको लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करें एंड यू कैन ज्वाइन द क्लास, एंड आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। यू टिल देन यू प्रिपेयर बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास, प्लीज प्रिपेयर वर्ड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। एंड आपको, आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा कुछ चीज़ें जो उसके बारे में आप डाउट रखते थे, एंड सो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गुड लक।